रीना हम लोग को क्यों बुलाया? हॉस्टल के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने रिसर्च किया है, उसके बारे में बताना है। तो हॉस्टल में क्या होता है पता है? हॉस्टल में ना हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, अलग अलग रहना पड़ता है। हॉस्टल की परिभाषा है बजट ओरिएंटेड सोशियबल एकोमोडेशन, मतलब एक ऐसी इमारत वहाँ पर एक डॉर्मेटरी में लोग रहते हैं, वहाँ पर सैकड़ों लोगों के साथ बाथरूम शेयर करना पड़ता है और वहाँ पर एक ही किचन होता है, वहाँ पर सारे लोगों का खाना बनता है, वो भी एक डाइनिंग हॉल पर सबको एक साथ बैठकर खाना पड़ता है, भी अपनी पसंद का नहीं बावर्ची की चॉइस का। हॉस्टल के रूम्स में लड़के लड़कियाँ एक साथ नहीं रह सकते। हॉस्टल अक्सर दुनिया में स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, पर दूसरी दुनिया के देशों में हॉस्टल गवर्नमेंट सेटअप करती है, वहाँ पर नर्सेज एडिटिक्स और बेल पे छुटे हुए लोगों को रखा जाता है। अमेरिका में 19वीं शताब्दी में बोर्डिंग स्कूल का गठन हुआ था, उनका मकसद था इंडियंस को इंसान बनाना। और इंडिया में पंचगनी देहरादून और रईस के ठंडे इलाकों में बोर्डिंग स्कूल बनाए जाते हैं। पर ठंडे इलाकों में बोर्डिंग स्कूल क्यों बनाए जाते हैं इस पर अभी गूगल पे कोई आर्टिकल नहीं आया है। और हॉस्टल में वर्ड्स लाइक पंगा, कोपचा, मस्का एक्सेट्रा हम यूज़ नहीं कर पाएंगे अभी। एनीवे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, कल सुबह 9 बजे पूरी मिल जाएगी, थोड़ा और रिसर्च करो।